Hey everyone, welcome to Shum's IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हेयर आई एम विद चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री. सो क्लास 6. सो हेयर इज चैप्टर 7 विच इज़ फ्रॉम द किंगडम टू एन एम्पायर. मतलब किंगडम से एम्पायर तक का जो जर्नी है, मतलब कैसे किंगडम और एम्पायर, मतलब किंगडम तो हमने पढ़ लिया, अब हम एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली. ठीक है, सो उससे पहले हम पढ़ते हैं रोशन के बारे में. सोचिए, देखो रोशन, देख रोशन के पास है जो उसके फादर ने ना, उसके उसके ग्रैंड फादर ने उसके बर्थडे पे कुछ नोट्स दिए हैं. अभी नोट्स क्रिस्प नोट्स, मतलब जो अभी न्यू नोट्स होते हैं ना, जो वो जो क्रिस्प से होते हैं, समझ रहे होंगे आप, जैसे जब अभी एटीएम से पैसे निकालते तो कैसे करारे से नोट होते हैं वो, राइट? डैट इज़ दिस. सो वो एक नई सीडी खरीदना चाहती है, बट उसको वो जो ब्रांड न्यू नोट्स है उनको देखना और उसको फील भी वो और ज़्यादा करना चाहती है. ठीक है, फिर वो नोटिस करती है कि हर एक नोट में गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस है, और राइट साइड में गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस है, और लेफ्ट साइड में लायंस का एक टाइनी सा सेट है. ठीक है, तो ये लायंस क्यों है यहाँ पर, वो सोचती है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्यों है लायंस, क्या है लायंस का ये मतलब, देख ही होगा आपने दिस, राइट? जो लायंस है, जो हम अपने नोट्स या अपनी कॉइन्स पे देखते हैं, उनकी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है. उनको जो सारनाथ, जिसको हमने चैप्टर 6 में डिस्कस करा था, उसमें मतलब उनको स्टोन्स में कार्व करके उनको किसी भी पिलर के टॉप में रखा जाता था. जो बड़े बड़े पिलर हुआ करते थे सारनाथ में, जो अभी भी हैं, उनके टॉप में उसको प्लेस किया जाता था. ठीक है, अशोका, अशोका हिस्ट्री का एक काफ़ी ग्रेट रूलर है. ठीक है, उनके जो भी इंस्क्रिप्शंस है वो पिलर्स पे और रॉक, जो भी रॉक सर्विसेज है उस पे बने हुए हैं. ठीक है, तो जो इनका किंगडम था, जो जो अशोका का किंगडम था, डैट वॉज कंसीडर्ड एज द एम्पायर. उसको एज अ किंगडम नहीं, उसको एम्पायर बोला जाता था. ठीक है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, जो अशोका थे, उन्होंने उनका जो रूल था, मतलब उनका जो रूल था, वो उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से करीब करीब 2300 ईयर्स अगो शुरू किया था. ठीक है, वो एक वाइस मैन के थ्रू सपोर्टेड थे, जिनका नाम था चाणक्य या कौटल्या. ठीक है, तो चाणक्य के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी उनके आइडियाज़ थे रिलेटेड टू दैट टाइम, उनकी जो पॉलिटिक्स थी या उस टाइम का जो उनका राज पार्ट था, उसको संभालने के लिए आइडियाज़ दिया करते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को. तो चाणक्य ने एक बुक भी लिखी है, उनकी बुक नहीं लिखी है, बट चाणक्य के काफ़ी आइडियाज़ हैं, जो कि अर्थशास्त्र नाम की एक बुक में देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो जो अशोका का एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा एरियो, काफ़ी बड़ा था, जिसमें जिसमें थी पाटलिपुत्र जो उसकी कैपिटल थी, फिर थी तक्षशिला एंड उज्जैन. ठीक है, तक्षशिला जो था वो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए, जिसमें सेंट्रल एशिया भी आता था, जबकि जो उज्जैन है वो ले करता था नॉर्थ टू साउथ का जो रोड, जो रूट था उसमें उज्जैन लाया करता था. ठीक है, जो अलग, जो बाकी के बचे हुए एरियाज थे वहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स थे, उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया थे वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा थे, तो लोग फॉरेस्ट से, मतलब फॉरेस्ट से फूड प्रोड्यूस करते थे और एनिमल का हंट किया करते थे. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं. ठीक है, इनकी एम्पायर की, अशोका की एम्पायर की. ओके, सो हर एक जगह पे लोग अलग अलग तरह का खाना खाया करते थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े भी पहना करते थे. तो एम्पायर किंगडम से कैसे डिफरेंट होता है? बेसिकली जो एम्परर्स हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बिकॉज जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम से कंपेरेटिवली बड़े होते थे. ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा आर्मीज की ज़रूरत भी थी होती थी. सो जब ये हमारा था कि ज़्यादा आर्मी चाहिए, बड़ा एरिया, तो हमें मतलब अल्टीमेटली ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता था. ठीक है, रूलिंग द एम्पायर, देखो एम्पायर काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट लोग रूल किया करते थे. ठीक है, पाटलिपुत्र का जो एरिया था वो जो एम्परर है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होता था, एज इट वॉज द कैपिटल, राइट? इसका मतलब है कि इन एरियों से जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे वो डायरेक्टली एम्परर के अंडर हुआ करते थे. एम्परर ऑफिशियल्स को ऑफिशियल अपॉइंट करते थे, जो जाके
टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो जो रूलर्स के ऑर्डर्स नहीं मानते थे, ऑफिशियल का ये ऑफिशियल का काम था उनको पनिश भी करना, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी ऑफिशियल को सैलरीज मिला करती थी बदले में। तो मैसेंजर्स उनके पीछे भेजे जाते थे, उनको स्पाई करने के लिए भी ऑफिशियल्स रखे गए थे। तो फिर वो स्पाई जाके एम्परर को बताया करते थे कि ऐसे ऐसा वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि जो रॉयल फैमिली और जो सीनियर मिनिस्टर्स है उनका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था, ठीक है। जो भी ये रूलर्स थे, रूल फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, मतलब हर एक रूलर एक प्रोविंस, जो प्रोविंशियल कैपिटल थी वहाँ से रूल किया करते थे, ठीक है। जैसे कि जो कुछ अमाउंट जो थे वो पाटलिपुत्र से कंट्रोल किया करते थे, और जो रॉयल प्रिंस थे वो एज अ गवर्नर्स और लोकल कस्टम एज अ रूलर उनको, मतलब जो भी उनको हो रहा था चीज़ें वो उनको फॉलो करनी होती थी, ठीक है। देयर वर वास्ट डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स। देखो जो मौर्यास थे उन्होंने ट्राई किया था कि वो जो रोड्स, मतलब वो, मतलब दे ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज डेट वर अवेलेबल एट टैक्स एंड ट्रिब्यूट। जैसे कि अर्थशास्त्र ये बताता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, और जो साउथ इंडिया है वो काफ़ी फेमस था फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। तो वहाँ से उनके, वहाँ से उस चीज़ के अकॉर्डिंग टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता था। तो ये ऐसी जगहों पर उस एरिया के लिए रोड को कंट्रोल करने का उन्होंने वो लोग ट्राई करते थे। उसके अलावा जो फॉरेस्टेड रीजन्स था वहाँ पे भी लोग इतना कुछ, तो कुछ इंडिपेंडेंट थे कुछ कम इंडिपेंडेंट थे, तो उसके कंपेरेटिवली भी उनसे जैसे एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी और वैक्स, ये सब कुछ वो मौर्यन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते थे एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। अशोका, अब हम पढ़ते हैं अशोका के बारे में। तो अशोका एक काफ़ी फेमस मौर्यन रूलर्स थे। तो उन्होंने, वो पहले ऐसे रूलर बने जिनके मैसेजेस थ्रू इंस्क्रिप्शंस पीपल्स तक पहुंचाया गया, ठीक है। अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत लैंग्वेज में ही थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। अशोका की एक वॉर थी कलिंगा में। कलिंगा जो कि एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का, वहाँ पर अशोका एक लड़ाई करने गए थे कलिंगा को कॉनकोर करने के लिए। बट वहाँ पे इतना वॉयलेंस, इतना खून बहता, इतना ब्लडशेड देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो और लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। वो पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने लड़ाई जीतने के बाद भी अपना सारा कॉन्केस्ट, जो भी उनका खजाना था, जो भी उनके अंडर का एरिया था, वो सारा गिव अप कर दिया था, ठीक है। अशोका का धम्मा क्या था? जो अशोका का धम्मा था वो भगवान पे बिलीव करना या सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना नहीं था। वो सीरियस, जैसे एक फादर अपने बच्चों को सिखाता है, उनकी ड्यूटी थी जो भी सब्जेक्ट्स है उनको इंस्ट्रक्ट करना। उसके अलावा उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो बुद्धा से काफ़ी इंस्पायर्ड थी। हम चैप्टर 6 पे बुद्धा डिस्कस कर चुके हैं बुद्धा जी के बारे में, राइट। तो काफ़ी प्रॉब्लम भी अशोका को फेस करनी पड़ी बिकॉज उनके एम्पायर में अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता था, ठीक है। एनिमल्स की सेक्रीफाइजिंग होती थी, मतलब बलियां चढ़ती थी। उसके अलावा फैमिलीज और मतलब जो स्लेव्स और सर्वेंट्स थे वो उन्हीं की फैमिली और उनके नेबर में इल ट्रीट हुआ करते थे। तो अशोका का ये प्रॉब्लम, अशोका की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया कुछ ऑफिशियल्स जिनको धम्म महात्मा का नाम दिया गया, जो कि इन धम्मा जो इनका धम्मा था उनको लोगों को उनके बारे में सिखाया करते थे, ठीक है। तो अशोका के जो भी मैसेजेस थे वो रॉक्स और पिलर्स पे इंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है। जैसे ये भी आप देख सकते हो, ताकि उनके मैसेज जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको वो देख सके, ठीक है। तो अशोका का मैसेज था, अशोका ने काफ़ी मैसेंजर्स भी भेजे ताकि वो जो धम्मा है उसका उसका मैसेज कुछ अदर लैंड्स पे भी भेज सके, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, और उनके बेटे महेंद्र और उनकी डॉटर संघमित्रा को जो श्रीलंका में है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने रोड्स बनाए, उन्होंने गड्ढे भी खोदे और बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों के लिए ही हेल्थ अरेंजमेंट भी की, ठीक है। सो हेयर इज इट फॉर द चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।